हेलो आई एम मीनाक्षी सो बहुत दिन से मैं ट्राई कर रही थी कि मैं इस बुक का ऑडियो स्टोरी बनाऊं और दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी एंड आई जस्ट वांट ऑल विल लिसन दिस सो दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी ऑफ मनोज कुमार आईपीएस पी एस हु फेल्स इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड Exam and still makes it to IPS. It is an inspirational story which emphasizes that no goal is impossible. Uh, Twelfth Field is an interesting and extraordinary story, the gripping narrative of a man who put his heart and soul into making the impossible possible. There was also the promise of love. So I always want. ये स्टोरी को सब पढ़ें या फिर सुने एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सो आई मेक दिस पी डी एफ ऑल्सो सो द वन हु वॉन्ट्स टू रीड कैन ऑल्सो रीड सो हेयर आई स्टार्ट दिस बुक यू कैन लिसन इट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन भूमिका सिविल सर्विसेज की तैयारी के, के दौरान मैं हर साल जोश से भरे हजारों युवक युवतियों से रूबरू होता हूँ इनमें से कुछ सफल होते हैं और राष्ट्र सेवा के लिए निकल पड़ते हैं पर कुछ मन को छू निकलते हैं इतने करीब से कि आप चाहकर भी उन्हें बुला नहीं सकते ऐसे ही दो प्रतियोगी मनोज और श्रद्धा की कहानी इस उपन्यास की प्रेरणा बनी है जब कभी आंख बंद करके इन दोनों की कहानी याद करता हूँ तो दुनिया पर भरोसा बढ़ जाता है कहने वाले लाख कहते रहे कि आजकल दुनिया में प्यार और ईमानदारी का अकाल पड़ा हुआ है या यह है कि आज की दुनिया धोखाधड़ी और बेईमानी पर टिकी है पर मुझे दुनिया की अच्छाई पर भरोसा बनाए रखने के लिए कुछ उदाहरण काफ़ी लगते हैं कुछ स्मृतियाँ साझा करना चाहता हूँ पहली स्मृति एक रात करीब 12 बजे घर की घंटी बजी यह बात 2005 के सितंबर या अक्टूबर की है उस समय तक मनोज भारतीय पुलिस सेवा में आ चुका था वह ट्रेनिंग पर मसूरी में था घंटी बजने पर हम चौक गए और मन में उठ रही तमाम आशंकाएं दबाकर दरवाज़ा खोला सामने मनोज खड़ा था मिलते ही उसने पैर छुए और पाँच सौ रुपये का नोट पैर पर रख दिया बोला आज नौकरी का पहला वेतन मिला है मुझसे रुका नहीं गया मन हुआ कि आपके पास पहुँचूँ और यह खुशी आपके साथ बाँटूँ थोड़ी देर बैठ कर वह मसूरी लौट गया ताकि सुबह ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही पहुँच जाए हम आवाक थे सैकड़ों सफल विद्यार्थियों से गहरा परिचय रहा था पर ऐसे जज्बातों की उम्मीद कभी नहीं की थी वह पाँच सौ का नोट आज भी सुरक्षित रखा है नोटबंदी भी उसे हमारी दुनिया से बेदखल नहीं कर सकी दूसरा स्मृति चित्र मनोज ट्रेनिंग पूरी करके महाराष्ट्र के जिले में तैनात है श्रद्धा भी भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हो चुकी है एक दिन अचानक मनोज का फ़ोन आया बोला सर छोटी बहन की शादी करनी है और पैसों की पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही है क्या आप कुछ महीनों के लिए मुझे पचास हज़ार रुपये उधार दे सकते हैं मैं हर महीने पाँच दस हज़ार करके लौटा दूंगा मैं फिर भी अवाक था पहली बार सुन रहा था कि आईपीएस पति और आईआरएस पत्नी मिलकर इतने से धन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं मुझे लगता है कि हर युवा को इस उपन्यास से गुजरना चाहिए सिर्फ इसलिए नहीं कि वे यूपीएससी में सफलता के गुर सीख सकें या समझ सके कि स्कूल के दिनों में पढ़ाई के प्रति घोर लापरवाह रहने और फेल होने के बावजूद कोई जुझारू व ज़िद्दी इंसान कैसे देश की सबसे शानदार नौकरी का स्वप्न देख सकता है यह किताब इसलिए भी जरूरी है ताकि हमें ज़िंदगी को समझने और जीने निभाने की कला समझ आए मेरा दावा है कि इस उपन्यास को ठीक से पढ़ लेने के बाद आप ठीक वही इंसान नहीं रहेंगे जो इसे पढ़ने से पहले थे आप पाएंगे कि आपके अंदर कुछ बुरा था जो पिघल गया है कुछ अच्छा था जो मजबूत हुआ है और आप जिंदगी के प्रति पहले से कुछ ज़्यादा सहज और आश्वासन आशावान हो गए हैं अनुराग इस पुस्तक का लेखक विद्यार्थी जीवन से ही मुझसे जुड़ रहा है व्हाट्सएप पर क्रांति के बाद यह उसकी दूसरी कृति है और निसंदेह उसका लेखन बहुत कम समय में काफ़ी परिपक्व हुआ है मैं इस पुस्तक के लाखों भावी पाठकों की ओर से उसे शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उसने इस कहानी को बेहतरीन अंदाजे बयां के साथ उनके सामने रखा वरना दुनिया में ऐसी कई शानदार चीज़ें जो हमारी नज़रों से ओझल रह कर ख़त्म हो जाती हैं विकास दिव्य कीर्ति सर ये भूमिका विकास दिव्य कीर्ति सर ने लिखी है जो वन ऑफ माय फेवरेट रहे हैं आई होप कि इस बुक को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों की ये फेवरेट बुक बन जाए या इससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे क्योंकि इसका शीर्षक ही कुछ ऐसा है हारा वही जो लड़ा नहीं हारता वही है जिसने कभी लड़ाई नहीं करी हो या बिना कंपटीशन के बिना एग्ज़ाम के आपने हार मान लियो सो थैंक यू